बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। तो फ्रेंड्स ये है लेमन पेपर चिकन के जो इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं इसमें यूज करूंगा। बहुत ही क्विक बनने वाली, जस्ट 10 मिनट्स में बनने वाली डिश है और बहुत ही इफेक्टिव डिश है। सबसे पहले इसको हम जो है मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए ये मैंने इसको जो लेमन का जूस है वो लिया है, वो इसमें मैं ऐड करूंगा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा जो लहसुन का जो पाउडर है 1 टीस्पून, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसके अलावा जो अदरक का पाउडर है हमारे पास, वो मैं 1 टीस्पून जो है वो उसमें ऐड कर दूंगा। तो ये ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट हाफ आवर आपने रखना है। ज़्यादा इसको आप ना भी रखें तो कोई नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जो लेमन और इसकी ये चीज़ें हैं इसके अंदर चली जाती हैं। इसको हम मिक्स कर देंगे। तो इसके अलावा हम जो इसमें यूज़ करेंगे वो ग्रीन पेपर है, तो इसको हमने हाफ आवर के लिए रख देना है मैरिनेट होने के लिए। जी तो फ्रेंड्स हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। कोई ऑयल मैंने नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला इसमें। जब मैंने स्टार्ट करना है तो चिकन जो है वो मैं इसको पैन में ऐड कर दूंगा। स्टोव जो है उसको मैंने ऑन कर दिया और इसको हम ढक के रख देंगे। जी तो फ्रेंड्स इसको 2 से 3 मिनट हुए थे मैंने रखा था, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये जो है काफी बेटर हो चुका है पहले से। क्योंकि ये जब इसका कलर चेंज होने लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये गलने लग गया है अब। तो अब साथ ही हम इसमें जो ग्रीन चिल्ली है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो काली मिर्च है, काली मिर्च ऐड कर देंगे और उसके साथ ही नमक ऐड कर देंगे, जो कि आप हसबे जायका नमक जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड कर दें। बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसको मैं मिक्स करके तो इसको दोबारा से मैं डांप दूंगा। तो इसका जो अपना ही पानी है, इसका जो अपना स्टीम बनेगा जब, उसी में इसने गलना है। इसको अब डांप के रख देते हैं। इसको मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं ढांप के रख दूंगा, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स अभी तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखते हैं। वाह बिल्कुल रेडी है अब ये। और इसका जो पानी है वो थोड़ा हम खुश्क कर लेंगे इसमें से। थोड़ा जब ये खुश्क हो जाएगा तो मसाला जो है और इसके जो हमने इसमें लेमन वगैरह जो चीज़ें डाली थी वो उसके अंदर चला जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही क्विक बनता है। जस्ट 8 से 10 मिनट में ये डिश रेडी हो जाती है। जी तो ये रेडी हो गई। अभी इसको उतार लेते हैं। उतार के अब हम इसको अलग से एक बर्तन में डाल लेते हैं। जी तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू है। कोई इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, कोई फैटी चीज़ नहीं है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जस्ट इसमें सब्ज मिर्च, काली मिर्च और नमक यूज़ किया है और साथ हमने लेमन यूज़ किया है, क्योंकि इसकी डिश का नाम ही पेपर लेमन डिश चिकन है। ये देखें जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लेमन पेपर चिकन बिल्कुल रेडी है और आप इसकी टेक्सचर देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त डिश है, बहुत ही जल्दी बनने वाली डिश है। जस्ट 8 से 10 मिनट में रेडी हो जाती है और बहुत ही इफेक्टिव है। आप इसको अगर आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं तो इसको आप यूज करें। कोई फैट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है और बहुत ही यम्मी बनती है और बहुत ही आप इसको एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी नई वीडियो के साथ
आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।